जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेनिया में। जी हाँ दोस्तों, फिर से एक और एक नई नर्सिंग डिपार्टमेंट में और एक नई पोस्ट लेके मैं आपके लिए हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ, नर्सिंग स्टाफ में, मेडिकल स्टाफ में आपके लिए और एक भर्ती का बिल्कुल अभी जो 2 से 3 दिन पहले रिलीज हुआ है नोटिफिकेशन, उसको लेके मैं आप तक आ चुका हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन में किन किन पोस्टों पर भर्ती है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, फॉर्म स्टार्ट की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या रखी गई है, और इसमें जीएनएम नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या एएनएम नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल से डील करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइए कि मतलब मैं हर एक दिन में 4 से 5 जो भी नोटिफिकेशन आता है भर्ती का नर्सिंग स्टाफ से या मेडिकल स्टाफ से रिलेटेड में, वो आप तक पहुँचना चाहिए वो वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो हम इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये भर्ती आई हुई है DMHO नारायणपेट। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये भर्ती आई हुई है DMHO नारायणपेट की ओर से। DMHO नारायणपेट की ओर से रिक्रूटमेंट पोस्ट है, 12 पोस्ट है, ठीक है। इसमें BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये मैं पूरी वीडियो में बताऊँगा आपको। आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में, पहले हम पूरे नोटिफिकेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, जी हाँ दोस्तों, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर नारायणपेट हैज़ रिलीज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ठीक है। DMHO नारायणपेट रिक्वायरमेंट 2023। स्टाफ नर्स मेटरनल हेल्थ स्टाफ नर्स, ठीक है, NBSU वैकेंसी 12 पोस्ट के ऊपर है, ठीक है। मार्च 2023 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 29 मार्च 2023 के दिन इसका लास्ट डेट है। हम आगे वीडियो में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। एलिजिबिलिटी इसमें मांगी गई है आपका मेडिकल ऑफिसर शुल्ड, आपको अगर मेडिकल ऑफिसर में तो BSc नर्सिंग या फिर आपके पास GNM होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 18 मार्च 2023 फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 29 मार्च 2023 के दिन आपका फॉर्म एंड हो जाएगा। एप्लीकेशन के फ़ीस कितनी लगना है, जनरल वालों की एप्लीकेशन के लिए आपको फ़ीस देना होगी, जनरल वालों को आपको फ़ीस देना है 350 रुपये, OBC वालों को 250 रुपये, और ST SC कैंडिडेट्स को 150 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगी, ठीक है। और वो आपका सैलरी कितना होगा, आपको सैलरी मिलेगा 29,900 के समथिंग, आपको सब कुछ ओवरऑल सैलरी मिलना है दोस्तों। तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 44 साल 44 ईयर्स, ठीक है, 18 से 44 साल तक आपकी एज होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और देन उसके बाद डायरेक्ट आपका मेरिट लिस्ट लगना है। तो आपको अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अप्लाई कैसे करना है। वीडियो में एंड में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू अप्लाई मोड इसका ऑफलाइन है, जॉब लोकेशन इसका नारायणपेट तेलंगाना रहना है, एड्रेस इसका क्या है, मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ऑफिस, ठीक है, सिंग्राम एक्स रोड नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद टोटल पोस्ट है 12, मैं आपको एंड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताऊंगा दोस्तों। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड में बताऊंगा वीडियो के। 16/3/2023 इसकी लास्ट डेट थी, 16/3/2023 थी इसके फॉर्म, मतलब नोटिफिकेशन आया था। टोटल स्टाफ नर्स मेंटरनल हेल्थ ऑफिसर के लिए 9 पोस्ट है, 29,900 आपका पे आउट मिलना है। स्टाफ नर्स NBSU के लिए BSc नर्सिंग रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और GNM रजिस्ट्रेशन विद तमिलनाडु काउंसिल में आपका GNM होना चाहिए। आपका सैलरी उतना ही है, 3 पोस्ट पे ये भर्ती आई हुई है दोस्तों। इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस का क्या सिस्टम है, सिलेक्शन प्रोसेस का सिस्टम ये है कि आपका मेरिट जो बनेगा वो BSc नर्सिंग और GNM के आपके जो ओवरऑल मार्क्स है उसके ऊपर आपका मेरिट बनना है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन होगा वो आपको अप्लाई होगा आपके ऊपर, ठीक है। उसमें 2018 इज़ टू बी अ फॉलोएड, ठीक है। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।